चक नाला, चक के नाम पर है ये चक नाला। अच्छा, यूसुफ शाह चक हस्बैंड है ना। हाँ हाँ, यूसुफ शाह चक, हाँ उसी के नाम पर है ये चक नाला। खबा खातून से लौटते ही हमें याद आए कि हमें एक और वैली जाना है जिसका नाम है तुलैल वैली। तो हम बढ़ चुके हैं अब तुलैल वैली की तरफ। मेरे फ्रेंड ने भी मुझे सजेस्ट किया कि हम वहाँ ज़रूर जाएं, उस वैली को एक्सप्लोर करें, क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि दूर बहुत है यहाँ से। 70 किलोमीटर्स गुरेज से दूर है, 1.5 घंटा लगता है यहाँ से, ऑफ रोडिंग है। अभी हम जिस विलेज में पहुँच चुके हैं इसका नाम मारकूट है, और यहाँ के घर देखिए आप, बिल्कुल लकड़ी के और मड़के बने हुए हैं, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ का कल्चर भी बहुत ही प्यारा है। ले रहे फोटोज वगैरह, क्या बोलते हैं इसे, चक नाला, चक के नाम पर है ये चक नाला। अच्छा, यूसुफ शाह चक का तुमको हस्बैंड है ना। हाँ हाँ, यूसुफ शाह चक, हाँ उसी के नाम पर है ये चक नाला। सही है, तो इसका मतलब गुरेज में ज्यादातर उसके पति और उसी ज्यादा उसी के नाम पे है सारा कुछ, खबा खातून और उसके चक उसके नाम पे है। ठीक ठीक, किशनगंगा रिवर जो हमारे भोजन में बह रहा है, हमारे साथ ही चल रहा है, ये काफ़ी दूर से निकलता है, दराज से निकलता है, तो अभी हमने काफ़ी दूर जाना है यहाँ से। देख सकते हैं ऊपर इस साइड में तो ग्लेशियर है, ये बिल्कुल बर्फ का हो, अभी भी बर्फ है यहाँ पे, ग्लेशियर पूरा पिघला नहीं है ये, है ना। बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होगा, खत्म तो तुलैल वैली की पहली विलेज आ चुकी है, अभी थोड़ी देर में इसको एक्सप्लोर करेंगे। क्या नाम बताए थे विलेज? बरनाई विलेज में पहुंच चुके हैं हम। यहाँ भी मतलब ये लकड़ी के मकान है ना पूरे, अंदर तो जाएंगे नहीं, यहीं पे कर देंगे एक्सप्लोर, यहीं पे एक्सप्लोर कर देंगे। मस्टर्ड के खेत जुलाई में, वाव यहाँ ठंड पड़ती है इसीलिए अभी भी ये हैं। ले लेते हैं क्योंकि भूख लग गई है यार, कुछ ना कुछ चबाने के लिए जरूरी होना चाहिए जी, है ना। जी सारा पुराना तुलैल, ये भी एक गांव है, अभी बहुत सारे गांव हैं, लास्ट चकवली है, 36 किलोमीटर अभी दूर है यहाँ से, थोड़ी देर में पहुँचेंगे, देखेंगे अगर पहुँच पाए तो, अभी पूरा कंफर्म नहीं है हमारा।
क्योंकि सड़क बहुत ही ख़राब है यहाँ से, बवासीर सड़क है। तो ये है पुराना तुलेल, पूरा गांव। यहाँ अभी अजानें हो रही हैं दिन की, दोपहर की। राइट जाना है, राइट गोदर पुल से बाहर, फिर वहां से होके केकोरा विलेज, जो कि गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इस साइड में तुलेल वैली में यही डेवलप्ड है। गवर्नमेंट ज्यादा इसी पे फोकस कर रही है। व्यू देखिए आप और एंजॉय कीजिए। एक कदाफी, अगर घूमने आए हैं ना तो सही से घूम के जाओ। नीरू टीसीपी, यहाँ पे रुकना है, यहाँ भी शायद एंट्री करनी होगी। करते हैं रेस्ट, पहले चलते हैं वॉशरूम वगैरह फ्रेश हो जाते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे आके चकवली की तरफ। वाले में जाना है इधर आ, इधर आ, इसमें चला जा। कौन सा नंबर है मेरा? लास्ट। कितना? 8। लाओ यार जल्दी, बॉल आउट करता हूँ मैं। वकार की बैटिंग और कजाफी की बॉलिंग चल रही है। बस आगे पहुँचते ही हमें लोकल्स लड़के मिले खेलने खेलते हुए, तो हमने सोचा हम भी उनके साथ थोड़ा क्रिकेट में हाथ बटा लें, तो हम भी खेलने लग गए उनके साथ। बड़ा मजा आ रहा है बारिश में। तूने पछताया मुंबा, तुझे पछताया नहीं कैसे? ये भाई शॉट मैंने बड़ा वाला मार दिया है, अब ढूंढने जा रहे हैं बॉल। तो किशनगंगा कॉम्प्लेक्स में यहाँ देखते हैं क्या क्या मिलता है। टी, मोमोज, कॉफी, समोसा, तो मैं लूंगा कॉफी एंड समथिंग। जे है कैंटीन, कैफे है। बड़े हैं आगे, थोड़ी देर रुक के वहाँ भी, क्योंकि बारिश भी बहुत पड़ रही थी। भीग चुके हैं पूरे, खाया भी बहुत कुछ, मज़े किए, क्रिकेट खेला, एंजॉय बहुत किया हमने। तो अभी हम चकवेली की तरफ बढ़ रहे हैं। नीरू पहुंच चुके हैं अभी। यहाँ से कैनॉल आ रही है, ऊपर से एक फॉल आ रहा है छोटा छोटा सा। अच्छा, ये लकड़ियाँ जो हैं यहाँ पे सुखाते हैं ना समर्स में, फिर विंटर में इसको जलाने के लिए ले जाते नीचे। अभी यहाँ पर स्टोर करते हैं, फिर ये सूख के अच्छी तरह से सही है। ग्राउंड भी काफी बड़ा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही रास्ते में हमें शहद की इंडस्ट्री दिखी, हनी की। तो देखिए आप कितने सारे ने बॉक्स रखे हुए हैं हनी भी कैप्चर करने के लिए। भाई पता नहीं अपनी लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आगे जाने का।
अरे मुंह क्यों छुपा रहा है दुल्हन? चुके हैं अब अभी हम तो देख सकते हैं ये आप यहीं के हो? मैं हम असम का, हम बाहर का। वाओ क्या बात है, यहाँ पे आप क्या करते हैं? मेरा 15 साल हो गया। 15 साल क्या काम करते हैं? ये बेचता है। अच्छा ये बेचते हैं, लेनी है क्या? हाँ सर टॉफी अभी हम खरीदे ना, टॉफी मिलेगी? टॉफी मिलेगी हाँ वो मिल जाएगी, अभी देंगे ना। अच्छा वेरी गुड सर। कार तो भी बच्चा बन गया, वेरी गुड, सही है। तंजीला बानो चली गई, कहाँ गई, ले ली इसने? कह रहे ना अभी यहाँ नवंबर तक रहेगा। नवंबर? नवंबर तक मतलब गाड़ी चलता है नवंबर तक? हाँ चलता है नवंबर तक। अच्छा फिर तो बढ़िया, फिर उसके बाद आप बंगाल वापस चले जाते हैं? असम 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 सॉरी सॉरी। आपका नाम? जन्नत अली। वाह आप जन्नत में जन्नत अली मिल गए हमें, वाह क्या बात है, जबरदस्त। ठीक तो रहा नहीं है। हाँ अच्छा 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 ये कश्मीरी गए, ठीक 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 बढ़िया। सामान डीजी शेख, इसका नाम है डीजी शेख। अच्छा जी जी शेख, इस जगह का मतलब ये जो गांव है। जोजीला जैसा माउंटेन है ऊपर है ना, वैसे ही दिख रहा है। एक एक करके अपना एक एक नाम बताओ। मुबारक। आप? ओह वेरी गुड वेरी गुड। वो छोटियां भी आ गई। आपका नाम क्या है, नाम बताओ। टॉफी नहीं खानी? तंजीला बानो, वेरी गुड। और इन दोनों का? वो शर्मा रहे। सो द वेट इज ओवर, तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ चकवली विलेज में। तो ये है चकवली विलेज, पोलेल वैली का लास्ट गांव। एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल एरियल व्यू। जर्नी करते हैं यहीं पे स्टॉप और अब बढ़ते हैं डावर की तरफ वापस। ऐप हो गए भाई ये दो, आप ये निकले दिल्ली दिल्ली तक। इतना डर गए आप, करो जोर से बंद। मजा आ रहा है? हाँ। आपका नाम क्या है? याकत। आपका बेटा? डर रहे हो? अरे मास्टर यार है, मजाक कर रहे थे, डरो नहीं। तो पंछी निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ वापस, कुरेस वैली की तरफ। हम रात को वहीं पे स्टे करेंगे क्योंकि यहाँ चकुली में रात को स्टे करने की परमिशन नहीं मिलती है, बिकॉज ऑफ डिफेंस एरिया है सारा लास्ट बॉर्डर। मतलब ये हाँ कहाँ से आ रही है? बड़ी अच्छी बस है, इंजॉय करो। खेलोगे वॉलीबॉल? बढ़िया खेल रहे हैं।
तो अभी हो चुका है मुकाबला स्टार्ट, शुरू होने वाला है पैसों का मुकाबला, खेल रहे हैं भाई। यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ ड्रॉप करने आए थे मोहसिन भाई को। तो मोहसिन भाई मिलते हैं फिर अगली बार आपसे, ठीक है? अल्लाह ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिए, और आप इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना? किस नाम से? मिस्टर गुरेजी चैनल जो यूट्यूब पे है इनका, जरूर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट दिखाना। तो हमें गुरेज में ब्राउन बियर को हाई करने का मौका भी मिला। हाय बड़ी, हाउ आर यू, हेलो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, आगे पहुंचाइए। तो ऐसे ही मेरे कंटेंट को सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, बाय बाय।